नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा न्यूज। हम पहुंचे हैं रेवाड़ी के जो NH 71 है उसके फ्लाईओवर के पास में है। ये जो आप रोड देख रहे हैं जिसपे ये ट्रैफिक चल रहा है, ये रेवाड़ी को दिल्ली से जोड़ने वाला मुख्य सड़क है। इसकी खस्ता हालत आपको दिखाते हैं कि किस तरह का ये रोड है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि रोड के हालात ज़रा दिखाएँ कि किस तरह का ये रोड है। यहाँ जैसे कि रोड परिवहन पर, सड़कों पर, यातायात के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो रेवाड़ी से दिल्ली को जोड़ने वाला जो ये मुख्य सड़क है, इसके हालात इतने खस्ता हैं कि यहाँ जो चारों तरफ आप देखेंगे कि दोनों साइड में लगातार ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन यहाँ बीच में सड़क के बीचों बीच गहरे खड्डे बने हुए हैं। इन गड्ढों की वजह से कई बार यहाँ दुर्घटनाएँ भी होती हैं, या दुर्घटनाओं के साथ साथ यहाँ जो दुपहिया वाहन या फिर कहें कि चौपहिया वाहन या फिर बड़े वाहन जो यहाँ से निकलते हैं, अक्सर उन वाहनों को यहाँ क्षतिग्रस्त भी होते हैं वो वाहन। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि यहाँ से वाहन इस गड्ढों में कूदने की वजह से दूसरी साइड चले जाते हैं, और कई बार अनहोनी भी हो सकती है। दुर्घटनाओं में कई बार कई लोग जख्मी भी हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि यहाँ कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं इन गड्ढों की वजह से। कई बार उन्होंने शासन प्रशासन के ध्यान में इन मुद्दों को भी डाला है, इन सड़क के बारे में भी उन्होंने बताया है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी सकारात्मक रवैया सामने नहीं आया है जिसकी वजह से इन रास्तों को दुरुस्त किया जाए। ये मुख्य सड़क है रेवाड़ी को दिल्ली से जोड़ने वाली, लेकिन इस मुख्य सड़क के ही हालात इतने जर्जर हैं जिसकी वजह से आम जो यहाँ से निकलने वाले आम राहगीर हैं उनको बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से जो निजी वाहन भी निकलते हैं और यहाँ से जो सरकारी वाहन भी निकलते हैं, एम्बुलेंस भी यहाँ से जाती है, तो इस तरह की लगातार परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ता है, लेकिन शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है जिसकी वजह से आम लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार इन दुर्घटनाओं के होने के बावजूद भी शासन प्रशासन का जो कुंभकर्णी नींद है वो अभी तक नहीं टूटी है। अगर इसी तरह से बना रहा, इस सड़क की वजह से इसी तरह हादसे बने रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब किसी ना किसी व्यक्ति की यहाँ जान जा सकती है। यहाँ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह। कृपाल जी, ये जो सड़क के हालात ऐसे हैं, बदतर हैं, कब से हैं ये हालात? ये तो जब से 3-4 साल हो गए भाई साहब। 3-4 साल हो गए। तो यहाँ दुर्घटनाएं भी हुई हैं? कभी है, काफ़ी हुई है। किस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं भाई? एक तो बाइक वाले यहाँ, कई बार तो बाइक वाले पड़ जाते हैं। हाँ। कोई एक बाइक वाला मर भी गया था यहाँ। नहीं, कोई यहाँ से और भी सरकारी वाहन भी निकलते हैं, अधिकारी भी निकलते हैं? खूब एम्बुलेंस वगैरह खूब निकलती है यहाँ से, मेन रोड है तो। अच्छा, तो कभी कुछ ऐसा कोई किसी ने समाधान करने की कोशिश की? समाधान हमने तो जाम भी लगाया था। हाँ। भाई ये बिछाया इनने बस स्लीपर से ये। अच्छा। भाई कोई सुना ही नहीं इस रोड की। तो इससे दिक्कतें आगे क्या बढ़ सकती हैं लोगों को? दिक्कत ये एक्सीडेंट का वो है, एक्सीडेंट ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है यहाँ। कुलदीप नाम भाई साहब। कुलदीप जी, किस तरह की यहाँ दिक्कतें हैं सड़क को लेकर, रोड को लेकर? भाई साहब 2-2.5 महीने से देख रहे हैं हम तो, ये रोड पहले पाड़ के डाल दिया, मिट्टी ढेर बना दिया, वहाँ से वहाँ तक वो मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। अब बीच में थोड़ा काम चला, फिर ये बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर कह रहे जी NGT के ऑर्डर हो गए, पोल्यूशन वाले ने बंद कर दिया, लेकिन ये मिट्टी का ढेर पड़ा है रोड के चारों तरफ, गाड़ी आती धूल उड़ती है, पोल्यूशन तो इस मिट्टी से हो रहा है। ये उठा लेंगे तो मिट्टी तो पोल्यूशन कम हो सकता है यहाँ। या आज धूप नहीं है इसलिए पोल्यूशन, ये धूल नहीं दिख रही। जब यहाँ धूप निकलेगी तो ये खूब हवा चलेगी ना तो धूल उड़ती है यहाँ पर। पोल्यूशन तो इस मिट्टी पड़ी है, इस मिट्टी से पोल्यूशन हो रहा है ये। यहाँ के जो काम कर रहे हैं उन लोगों से बातचीत, उनसे बात की, वो कह रहे हैं NGT के ऑर्डर हो गए भाई साहब, बंद पड़े क्या कैसे काम करें। अब देखो वो भी बात सही कह रहे हैं, NGT का ऑर्डर हो गया तो कैसे काम करेंगे। इससे दिक्कतें किस किस तरह की हैं? दिक्कतें भाई साहब, ये रोड इतनी भीड़ी हो गई है यहाँ साइड लेने में। एक दिन तो एक स्कूटी वाली की लड़की थी, वो गाड़ी के बीच में फंस गई थी, उसको निकाला हमने फिर यहाँ पर। उस दिन शाम को हम मौके पे थे, क्योंकि रोड वहाँ से चौड़ी है, फिर ये भीड़ी हो जाती है। इधर से आते हैं वो रोड चौड़ है, यहाँ के भीड़ा हो जाता है, तो लड़की बीच में फंस गई दो गाड़ियों के। वो गाड़ी फिर धीरे धीरे निकलवाई, वो उस गाड़ी को निकाला। एक दो एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पर, लेकिन बेचारे गिर के अपने पैर फूट गए उनके, निकल गए।
हमने कहा भी कंप्लेंट कराओगे जी, क्या कंप्लेंट कराएं, ये तो बहुत परेशानी होती है हमें यहाँ पर, सुनता ही नहीं ये है। दिक्कत है, कोई सुनवाई तो है नहीं, ना कोई आता है प्रशासन का आदमी। क्या नाम सर आपका? प्रदीप है। प्रदीप जी, ये जो सड़क खस्ता हालत में है कब से है? बड़े परेशान हैं हम ना तो अंदर बाहर जा सकते, ये देखो आपके सामने है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। इस रोड के खराब होने से या फिर यहाँ जो गड्ढे हो रखे हैं उनसे किसी तरह की कोई दुर्घटनाएं हुई? दुर्घटना भी, गिरते हैं बाइक वाले, कई बार गिर जाते हैं, जाम वाम भी लगता है, बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने का ट्रैफिक घूम के आता है। तो इस ये रोड का समाधान क्या होगा, कितनी जल्दी ये रोड बन के तैयार हो सकता है, कोई है इसका? पूरे 2 महीने से दो लुट रही है यहाँ, समाधान अभी लगे हैं ये, पता नहीं कब करेंगे, करे हो जाएगा, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। इस तरीके से यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने इस रोड की समस्या को लेकर जाम भी लगाया, लेकिन उस जाम के बावजूद भी शासन प्रशासन की नींद नहीं टूटी और लगातार इस रोड के खस्ता हालात बने रहे। उन्होंने बताया कि यहाँ इन जो टूटी हुई सड़क है इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट हुए और एक व्यक्ति की मौत तक हुई है, लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए किसी ने भी कोई विचार नहीं किया, कोई भी अभी तक यहाँ किसी तरह का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। दैनिक भरोसा के लिए रेवाड़ी से रवि कुमार मीणा।